अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर क्लास थ्रीज बुक। आई एम योर क्लास टीचर मिस हिना समेजो। कम टू द पेज नंबर 1। आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 1। लेसन 1, this is lesson 1. The name of the lesson: Dorothy meets the scarecrow. Dorothy स्केयरक्रो से मिलती है। अब डोरोथी कौन है? एक लड़की है, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। स्केयरक्रो किसे कहते हैं? स्केयरक्रो ये इंसानुमा शक्ल होती है, जो कि फसल में इसको टंगा देते हैं इसको, ताकि जैसे पंछी बर्ड्स वगैरह इससे डर सके। यहाँ पे आते हैं वर्ड्स टू नो। इनवर्स की मीनिंग है, जैसे गेज डे ग्रेटफुल है, राइट पे स्केयर क्रो है। गेज की मीनिंग होती है हैरान होना, भूनना। ग्रेटफुल शुक्रगुजार होना। राइट पकना। स्केयर क्रो जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान नुमा एक शक्ल बनाते हैं, ताकि जो पंछी हों वो इनसे डर सके। डोरोथी वॉक्ड अलोंग द रोड। डोरोथी रोड पर चलती थी। इट वॉज मेड अप ऑफ येलो ब्रिक्स, जो कि पीली ईंटों से बना हुआ था। शी हैड गॉन सम माइल्स, शी नीडेड टू रेस्ट। थोड़ी दूर वो आगे चली तो उसको आराम की ज़रूरत पड़ी। शी क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द फेंस बिसाइड द रोड। वो फेंस यानी कि बार के जो कि रोड के बराबर में थी, उस पर चढ़कर बैठ गई। ये है फेंस की मीनिंग होती है बार, या कोई बैरियर जैसे ये बनी हुई है। ठीक है बेटा। हर डॉग टोटो वाज आल्सो टायर्ड। उसका डॉग टोटो भी थक चुका था। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड बाय द फेंस। वो नीचे ग्राउंड पर सो गया, जो कि फेंस के बराबर में था। देयर वॉज अ लार्ज कॉर्न फील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। फेंस की बाड़ की दूसरी तरफ एक बड़ी मकई की फसल थी। एंड इन द फील्ड देयर वॉज अ स्केयरक्रो। और उस फसल में स्केयरक्रो था। स्केयरक्रो जैसे कि मैंने बेटा आपको बताया कि स्केयरक्रो एक इंसान नुमा शक्ल होती है, जिसमें वो घास भरकर और है ना इंसान की तरह उसको बना देते हैं, ताकि जो पंछी हैं वो फसल को ख़राब ना कर सकें। और क्लाइम की मीनिंग मैंने बेटा आप लोगों को बताई। क्लाइम की मीनिंग है चढ़ना। ब्रिक्स की मीनिंग है ईंटें। ठीक है बेटा। और कॉर्नफील्ड की मीनिंग है मकई की फसल। फेंस की मीनिंग है बाड़। ठीक है बेटा, आज का आपका लेसन इतना ही सही है। कल मैं आपको आपसे इतनी ही रीडिंग सुनूंगी। आपको भी इसी तरह से वीडियो बनानी है और फिर ग्रुप में सेंड करनी है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल थ्री क्लास स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। This is our maths book, C, and now we are going to conduct online class for subject math. Now here we are opening the our book. Our first unit is numbers. Numbers, इसकी माना है एदाद।
From this unit, today we will recover our two main topics. These are even numbers and odd numbers. Okay, first we have to understand what is the even mean. Even mean straight यानी सीधा या हमवार या मुसावी. ओके, ऑड नंबर्स यानी ऑड मीन्स, फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट ऑड. ऑड की माना है अनोखा, या उसको हम मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं ताक. इवन नंबर्स यानी सीधे आदाद, ऑड नंबर्स उसको हम कहेंगे ताक एदाद. ओके, जिनको हम एक ही अदद और बदी अदद भी कहते हैं. ठीक है, अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. इवन नंबर्स, इवन नंबर्स ऑलवेज एंड अप 0, 2, 4, 6 और 8. इवन एदाद जो होते हैं वो हमेशा आखिर में 0, 2, 4, 6 और 8 एदाद के साथ एंड होते हैं. दे आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 और वो हमेशा 2 से ज़र्ब हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं ऑड नंबर्स की तरफ. ऑड नंबर्स ऑलवेज एंड विद 1, 3, 5, 7 और 9. ऑड नंबर्स यानी ऑड एदाद हमेशा एंड होते हैं 1, 3, 5, 7 और 9 से. दे आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, वो कभी भी 2 से तकसीम नहीं होते हैं. नीचे एग्जाम्पल्स हैं, अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं. देखिए 62, 84, 90, 10 and 76 आर ऑल इवन नंबर्स बिकॉज द यूनिट डिजिट्स ऑफ दीज नंबर्स आर 2, 4, 0 and 6. जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये सर्किल में देखिए 62 के साथ 2 है, 62 एंड हो रहा है 2 के साथ, 84 4 के साथ एंड हो रहा है, 90 0 के साथ है और 10 भी, और 76 6 के साथ, ये देखिए गौर से देखें, एंड हो रहा है. तो ये सब इवन नंबर्स हैं क्योंकि ये एंड हो रहे हैं 2 के साथ, 4 के साथ, 0 के साथ एंड 6 के साथ. ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा. अब हम यहाँ पर आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर. एग्जांपल की पॉइंट नंबर 2, 31, 45, 73 and 85 आर ऑड नंबर्स बिकॉज द यूनिट डिजिट्स ऑफ दीज नंबर्स आर 1, 5 and 3. इसी तरह से देख लीजिए 1 सर्किल में 5, 7 and 3 and 5 ऑड नंबर्स एंड हुआ है, इस वजह से ये हम क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स यानी अनोखे, अजीब, ऐसे ताकेदाद. ओके, अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर. ये एक किस्म से एक्सरसाइज है जो हमें करनी है, सर्किल द ऑड नंबर्स. हमने ऑड नंबर्स पर सर्किल करना है. तो यहाँ पर ऑलरेडी ये देखें किया हुआ है, 41 ऑड है, 43 ऑड है.